कटिहार जिला के कुरसेला प्रखंड के पत्थर गांव में सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ को लेकर। यहां की जनसंख्या लगभग 1500 की है और यहां पे गंगा नदी और कोसी नदी दोनों मिले हुए हैं और दोनों नदी के सटे हुए ये पत्थर टोला है जो कि हर साल यहां पे बाढ़ आते हैं। पानी है घर में? कब घुसा है पानी? पानी घुसना हो गया 2-3 रोज। तो क्या चीज का पानी है ये? गंगे का, कोसी का। समस्या यही है, घर द्वार डूब गया, खाने करने के व्यवस्था नहीं है। कितने आदमी यहाँ बाढ़ से पीड़ित हैं? हजारों की संख्या है। आपके गांव में? हमारे गांव में हाँ, 2-3 साल में मतलब पूरे बस्ती, 2 साल के बाद पूरे बस्ती डूब जाता है। मतलब चलने बुलने के साधन नहीं रहता है। सरकार नैया डेंगी देता है तो उसमें पैसा भी नहीं देता है। जिसका नैया डेंगी सीज करता है तो उसको पैसा भी नहीं देता है, कह कर के नहीं देता है। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी और समुदाय में बैठक करके सीओ साहब के पास गए। बार बार सीओ साहब से जाजा के प्रखंड में बात करते रहे इस पर, इसके लिए मुआवजा दिया जाए। तो सीओ साहब बोले कि आप जो है इसमें एक सूची बनाइए और सभी का नाम और पासबुक नंबर दीजिए। वार्ड सदस्य के पास जो है ये सारा चीज़ बताए कि आप गांव में एक सूची बना करके सीओ साहब के पास आइए लेकर। 4 माह के बाद जो है सभी को 6-6 हज़ार रुपया का भुगतान मिला। पहले बाढ़ में व्यस्त थे, डूब गए थे, बड़ी परेशान थे। आप आए, सूची बना के ले गए। वार्ड के माध्यम से हमारा सूची में गया, नाम सब कुछ हुआ। उसके द्वारा आप आए, फिर बाद में आए वीडियो साहब को लेकर के भी देख के गए। तो जो हुआ से सब कुछ ठीक। 4 महीना बाद हम लोगों को जो ब्लड था मिलने वाला राशि मिली, उससे हम खुश हुए। बीमार थे, इलाज किए, अपना समस्या हल किए, सब चीज़ ठीक है। 6 हज़ार पैसा मिल गया हम। मदद तो आए हैं वहाँ से, लिख पढ़ के वीडियो बना कर सब चीज़ दिए, कागज पत्र बना के, तो मेरा आके मिला हर चीज़। आप देखभाल किए? पहले से अब कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत ठीक है अब। मैं नविता, जिला कटिहार, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।